जैन साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। जैसे कि बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए एक डिटेल में बताइए कि कैसे तैयारी किया जाए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि मैं टाइपिंग कर रहा हूं तो मेरा प्री और मेंस हो चुका है 1262 पोस्ट पे। तो अब 5512 पोस्ट वाले कैंडिडेट जो है ना तैयारी में लगे हुए हैं, और तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए कि समय से परीक्षा पास हो जाए और बढ़िया मार्क्स आ जाए। पहला नंबर की जो है ना 5512 पोस्ट में कैंडिडेट जो है तो 5512 पोस्ट की जो शॉर्ट लिस्टिंग होनी है उसमें कम से कम 30 गुना स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे, यानी लगभग 60-70 हज़ार के आसपास शॉर्ट लिस्ट होंगे। उनमें से जो है ना 10 गुना टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, 10 से 12 गुना। तो उसमें जो तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, 20 यूपी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और यूपी जीके के प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है और गहराई से, जैसे कि रूमी दरवाज़ा कहाँ है ये नहीं पूछ रहा है, रूमी दरवाज़ा की हाइट कितनी है ये पूछा था। किसी एग्ज़ाम में पूछ लेता है मछली वाला जो चिन्ह है कहाँ से लिया गया था। तो यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो है ना कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन वो हो गए। और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 15-20, तो ये 15-20 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। हालांकि बढ़िया लेवल का रीजनिंग पूछ रहा है, हल्का लेवल का नहीं पूछ रहा है। और यूपी जी के रीजनिंग और हिंदी बची, तो हिंदी में भी जो है ना ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें सभी टॉपिक से टच करता है। तो हिंदी, रीजनिंग, यूपी जीके, कंप्यूटर, और बचा जीके जीएस में जो है हिस्ट्री, यूपी की हिस्ट्री ज़्यादा चांस है आने की, जियोग्राफी यूपी की ज़्यादा चांस आने की। उसके बाद करेंट अफेयर्स के जो है ना 15 क्वेश्चन आ गए थे इस बार, 10 क्वेश्चन बोला था लेकिन 15 क्वेश्चन आ गए थे, वो भी करेंट जो है ना इंटरनेशनल लेवल का, और कुछ जो है ना यूपी से रिलेटेड थे। तो इस तरह से जो है टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि फाइनल जो है ना अभी तो फाइनल कट ऑफ नहीं पता है, लेकिन 1262 की टाइपिंग कट ऑफ 48.25 है।